चलो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करें अपन? जनरल मीटिंग। आ जाइए, सबसे पहला क्वेश्चन रीड कर रही हूं। तुम लोग एक कंपनी सेक्रेटरी हो कि नहीं हो? जल्द बन जाओगे, ठीक है। चलिए, एक सीएस हो तुम लोग, तो प्लीज रेफर करो प्रोविजंस को कंपनीज एक्ट के। एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन। ये प्रपोजल्स है, ठीक है, वैलिड है कि नहीं बताइए। प्रशंसा, सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कंपनी की विश है कि वो एजीएम कंडक्ट करवाना चाहती है। टाइमिंग क्या है? 6:30 बजे। अलाउड है क्या प्रशंसा? अरे सब लोग प्रशंसा है क्या? हाँ सिक्स पीएम तक। अब मेरी बात सुन, सबको मालूम आंसर क्या है, लेकिन लिखने लिखना पता है कैसे क्या लिखना होता है? ध्यान देंगे, प्रॉपर ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो मुझे मालूम है नहीं है ना याद सेक्शन, लेकिन एजीएम का तो सेक्शन याद है ना, एज पर सेक्शन 96 एजीएम याद करवाया था, ठीक है। जहां सेक्शन नंबर याद है वो झाड़ो कि भाई ये तो बनता है, हमें ये तो बताएंगे। जहां नहीं बनता है तो प्रिस्क्राइब सेक्शन। एजीएम मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, लिखना है बिटवीन 8 AM to 6 PM एनी डे। क्या लिखा है? एनी डे, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी भी दिन। लेकिन ये लीगल प्रोविजन है, लिख लिया लीगल प्रोविजन। अब केस का आंसर क्या है? नो है ना। अब आपको आंसर लिखना है, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि भाई कैनॉट, नहीं बुला सकते, 6:30 बजे, दैट्स इट, इतना ही लिखना है। अब आप साथ ही में लिखोगे, इन्होंने अलग से पॉइंट बना के लिखा है, ये प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। आपने लिखा लीगल प्रोविजन, फॉर एग्जांपल ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, ए लिखा है, आप भी ए लिखोगे, लिखोगे ए, ठीक है, लीगल प्रोविजन लिखोगे और एक लाइन छोड़कर लिखोगे कि आप जो अबव जैसे हमने डिस्कस किया कि सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक, तो 6:30 बजे, 6:30 बजे आप बुला सकते नहीं हो। और ये कैनॉट क्या होगा, क्या होगा, हाईलाइट होगा। कैनॉट क्या होगा बच्चा? हाईलाइट, बस इतना ही बन जाएगा। एक ही पैराग्राफ लिखोगे, ए लिखोगे, फिर पहले लीगल प्रोविजन पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ बदल दो, क्या लिखोगे? कैनॉट, बन जाएगा लिखते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, दिशा बताएगी। चलो लीगल प्रोविजन क्या था दिशा? वेरी गुड, पहले आपको पूरा लीगल प्रोविजन बताना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई नेशनल हॉलीडे से हमारा मतलब क्या है, वो दिन जो हमारी सीजी ने क्या कर रखा है, डिक्लेयर कर रखा है कि ये भाई नेशनली हॉलीडे रहेगा, जिसमें से ये 3 एग्जाम्पल आपको बताने पड़ेंगे। कौन कौन से हैं? 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये बताना पड़ेगा कि आप इसमें मीटिंग नहीं कर सकते। इसके साथ और भी था ना, अदर डे जो भी सीजी क्या कर दे, डिक्लेयर कर दे। मतलब पॉइंट 3 है कि 4 है? 4 है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और एनी अदर जो सीजी डिक्लेयर, ये लीगल प्रोविजन है। और उसके नीचे एक लाइन का स्पेस छोड़कर आप क्या लिखोगे कि भाई जो गिवन केस है, कंपनी कैन नॉट कॉल 15 अगस्त। क्लियर है? ऐसे लिखना है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, क्या हो रहा है, कंपनी वांट टू होल्ड एजीएम एट द सिटी। इन्होंने बोल दिया एक सिटी में कर रहे हैं, लेकिन अदर देन सिटी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां आपका रजिस्टर ऑफिस नहीं है, हम सिटी बदल रहे, आपका रजिस्टर ऑफिस भोपाल में, आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है? भोपाल में। अब टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण आप ये मीटिंग कहाँ करवा रहे हो? इंदौर में करवा रहे हो। अब मुझे बताओ करवा सकते हो अंशिका? नहीं करवा सकते। लीगल प्रोविजन में क्या लिखो? नहीं करवा सकते, करवा सकते, ये सबको मालूम है। दिक्कत क्या है दीदी? लिखना क्या है, मेन प्रॉब्लम यही है बच्चा, लिखना क्या, बताओ लीगल प्रोविजन में क्या लिखेंगे? ठीक है, हमने पढ़ा था जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर। रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा मतलब क्या है? अगर वो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, सिटी में है, तो सिटी सेम। अगर विलेज है तो विलेज, टाउन है तो टाउन, या फिर एनी अदर जो क्या बोल दे सीजी, ऐसा कुछ था, क्या था, क्या था लीगल प्रोविजन सेम। फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर ऑफिस यहां है तो यहीं करना है, ठीक है, या फिर यहां नहीं हो पा रहा है तो सेम सिटी, विलेज और टाउन, यही था। लेकिन कहीं तो लिखा था कहीं और भी कर सकते हो, कहां लिखा था? कुछ अनलिस्टेड कंपनी थी,
वेरी गुड। अनलिस्टेड कंपनी अगर सारे मेंबर मिलकर राइटिंग में एडवांस में बोल दे तो एनी अदर प्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन अनलिस्टेड एजीएम की बात करें, ईजीएम की बात नहीं हो रही है, ईजीएम नहीं बोलेंगे, एजीएम की बात हो रही है। तो लीगल प्रोविजन, एजीएम हेल्ड आइदर कहां होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस या फिर सम अदर प्लेस, लेकिन सम अदर प्लेस मतलब इसी बिल्डिंग में या फिर दूसरी बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग लेकिन सिटी सेम, टाउन सेम, विलेज सेम, विद द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी। ये तो आपने बोल दिया, ये तो बन गया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। हमने अनलिस्टेड का भी पढ़ा था, अनलिस्टेड कंपनी इट मे बी हेल्ड कहां, एजीएम एट एनी प्लेस इन इंडिया, कंसर्न चाहिए राइटिंग में बाय ऑल मेंबर्स इन एडवांस। कंसेप्ट क्लियर है? तो ये पूरा लीगल प्रोविजन लिखोगे, लीगल प्रोविजन लिख दिया, फिर आप क्या बोलोगे, हो सकता है क्या, मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या है, हो सकता है क्या, हो सकता है एजीएम किसी और जगह पर, क्या नहीं, हमें रिटर्न में चाहिए। अब क्वेश्चन ने हिंट किया है क्या, नहीं, तो इसलिए हमने पहले बोल दिया। इन्होंने क्या बोल दिया, ये देखो इन्होंने बोल दिया, कंपनी कैन हेल्ड एजीएम एट द रजिस्टर ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन द सिटी, ये सेम लिखा है। हम बोल रहे कि भाई तुम लोगों का आंसर या तो हो सकता है, कर सकता है, या फिर नहीं, दोनों आंसर सही है, इट्स डिपेंड आप लिख क्या रहे हो। मैं कह रही हूं कि कर सकता है अगर अनलिस्टेड कंपनी है और सारे मेंबर्स ने एडवांस में रिटर्न में लिख दिया तो कर सकता है, या फिर तुमने बोला नहीं कर सकता अगर ये कंपनी लिस्टेड है, समझ रहे हो लिखने का तरीका, कैन कैन नॉट दोनों सही है, इट्स डिपेंड आप एक्सप्लेन क्या कर रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं हिंट है, इन्होंने लिखा है किसी कंपनी का नाम कि वो लिस्टेड अनलिस्टेड, नहीं, आप ये मान के चल रहे हो, आपका अजम्पशन होगा अगर ये लिस्टेड है तो नहीं कर सकती, अगर ये अनलिस्टेड है तो रिटर्न में कंसर्न लेकर कर सकती है, तो कैन कैन नॉट दोनों सही है, इट्स डिपेंड क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो फटाफट। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट एज द मेंटेन ऑफ द रजिस्टर ऑफ द पोस्टल बैलेट, कुछ याद है, पढ़ा था ना अपन ने, रीडिंग के लिए मैंने दिया था प्रॉपर। पोस्टल बैलेट समझते हैं, क्या होता है पोस्टल बैलेट, शेयरहोल्डर को नोटिस विद पूरा डॉक्यूमेंट घर में पहुंचा दिया, रेजोल्यूशन पास हुआ, 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना होता है, एक स्क्रूटनाइजर होता है जो पूरे वोट को क्या करेगा, कैलकुलेट, और वो इस रिपोर्ट को तैयार करेगा, करेगा ना, रिपोर्ट तैयार कर आपको एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा ना पोस्टल बैलेट, द पोस्टल वैलिड मीनिंग बाय द पोस्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी, ठीक है, पास करते सर्टेन रेजोल्यूशन जो भी नोटिफाई कर रखा है। पोस्टल बैलेट में कितने मैटर्स होते हैं जिन्हें बस पोस्टल बैलेट से ही डिस्कस करना है, 10 मैटर थे, पूरी लिस्ट थी, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने बोल दिया जो सीजी ने नोटिफाई किया, तो सीजी ने क्या नोटिफाई किया है, वो 10 आइटम्स, वो 10 पर्टिकुलर बातें जो हमने देखी। एज पर द प्रोविजन सेक्शन 110 ऑफ रीड विद दिस, ठीक है, ये तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। स्क्रूटनाइजर मेंटेन क्या करेगा, रजिस्टर, या तो मैनुअली या फिर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहला पुराना जमाना था बच्चा मैनुअली करते थे, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब हो गया है तो हाँ दूसरा ऑप्शन भी है, तो आपको लिखना तो पूरा पड़ेगा ना, ठीक है। रिकॉर्ड द असेंट और डिसेंट, असेंट मतलब कितने फेवर कर रहे, डिसेंट मतलब कितने अगेंस्ट में। मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द नेम, एड्रेस, फोलियो नंबर, क्लाइंट आईडी, शेयर होल्डर, नंबर ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम, कुछ नहीं, पूरी डिटेलिंग्स है, दैट्स इट, ये रजिस्टर में लिखनी है। समझ में आया क्या लिखना है, मेंटेन करना है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो रिक्वायरमेंट्स ये है कि सारी डिटेलिंग आपको लिखनी पड़ती है, दैट्स इट। समझ में आया, एक शेयर का क्या क्या होगा, शेयर होल्डर का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड होंगे, और उसके अलावा बच्चा उसका फोलियो नंबर होता है, क्लाइंट आईडी नंबर होता है, ये आपको कंपनी के द्वारा मिलता है शेयर होल्डर को, वो सारी चीजें भी उसमें लिखी होंगी साथ में पैरेलली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करेंगे, डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल मैं कर रही हूं। नुपुर बताएगी, ठीक है बेटा, सीधा पहले कंक्लूजन, कैन अपॉइंट, कैन कंपनी अपॉइंट श्यामल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डिस्कस कैन और कैन नॉट, क्या लिख रहे, यस बोल रहे कि नो बोल रहे, कितने बच्चे यस बोल रहे, सब नो बोल रहे, चलो अच्छा इसीलिए बोल पा रहे हो, ठीक है। अब मालूम है आंसर नो है, लेकिन मैं जब बच्चा कॉपी चेक करती हूँ ना, सबका तरीका अलग क्यों दिखता है मुझे, और सबको एक जैसे नंबर मिलते हैं क्या, सबको क्यों अलग नंबर मिल रहे, क्योंकि कुछ कम लिख रहे कुछ ज्यादा लिख रहे, ज्यादा वाले को तो ऑफकोर्स अच्छे नंबर मिल रहे, लेकिन जो कम लिख रहे उसी के कट रहे नंबर, ठीक है। कंक्लूजन सबको मालूम है, कंक्लूजन सबका यही रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या रहेगा, कैन नॉट, क्यों कैन नॉट रहेगा, क्योंकि एसआर पास नहीं हो रहा है। चलिए थोड़ी सी डिटेलिंग में जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रेजेंट थे, 50, ठीक है।
50 मेंबर प्रेजेंट थे, 25 ने क्या किया फेवर में, 15 ने क्या किया अगेंस्ट में, और 10 नलायक थे। ठीक, इन 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इन 10 से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ 50 का अगर मैं फेवर कहूं तो फेवर कितने हैं, एसआर पास करना है, एसआर पास करना मतलब क्या 75। अब मैं आपको एक बात समझा दूं, जब भी एसआर पास करते हो जब भी ओआर पास करते हो, एसआर में कितना परसेंट होना चाहिए, ओआर में कितना, ये एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो मैंने आपको समझाई है, कभी बुक की लैंग्वेज बेरेक की लैंग्वेज पढ़कर देखो वो लैंग्वेज क्या बोलती है, वो लैंग्वेज आज मैं रीड करवा रही हूं, मतलब मुझे मेरे आंसर में ये 75-51 नहीं चाहिए। ये तो नॉर्मल लैंग्वेज है, नहीं तो कॉमन लैंग्वेज है जो मैंने समझाने के लिए आपको यूज किया। लॉ की लैंग्वेज क्या है, लॉ की लैंग्वेज समझो, आप एचआर पास करने की लॉ की लैंग्वेज समझना, अगर यहां लिखा हो, चलो रीड कर रही हूं, आपको भी मुझे आंसर में यही चाहिए। वोट्स कास्ट इन फेवर इन द रेजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी नॉट लेस देन 3 times द नंबर ऑफ द वोट्स इफ एनी कास्ट अगेंस्ट, मतलब 3 times होना चाहिए। एसआर में क्या लिखा रहता है 3 times, ये लीगल लैंग्वेज है जिसको मैंने सिंपल सिंप्लीफाई करके क्या बोल दिया है 75%, 3 times होना चाहिए। किसके कंपैरिजन, फेवर हमेशा 3 times होना चाहिए, किसके अगेंस्ट के। अब मुझे बताओ क्या ये 3 times है क्या, नहीं है, क्योंकि 25 है और एक तरफ क्या है 15 का 3 times होना चाहिए। क्या लिखा है वापस 3 times द नंबर ऑफ वोट इफ कास्ट अगेंस्ट दी, मतलब 15 का 3 times कितना होता है, क्या बात समझ में आ रही है। तो लैंग्वेज ना ये लिखा है, ये एसआर में लिखा है, ओआर में लैंग्वेज क्या लिखा रहता है मेजोरिटी, ओआर में लैंग्वेज क्या लिखा रहता है मेजोरिटी, बस मेजोरिटी से 51 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आंसर तो हमें समझ में आ गया कैन नॉट है, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा, पहले क्या लिखोगे लीगल प्रोविजन, फिर क्या लिखोगे फैक्ट्स, केस बड़ा है तो फैक्ट्स लिखना है, फिर क्या लिखोगे कंक्लूजन। ठीक है, चलिए लीगल प्रोविजन क्या बोलता है, आ जाइए लीगल प्रोविजन बोलता है एज पर दी, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो क्या स्मार्ट वर्क करना है, एज पर दी प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ दी कंपनीज एक्ट लिखोगे, ज्यादातर बच्चे अपने आंसर में नहीं लिखते, मुझे ये भी चाहिए, सेक्शन नंबर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो एज पर दी प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ दी कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा आंसर आपका हट के निकलता है, स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर आप अपॉइंट करते हो जो अटेंड कर रहा है 70 years, तो इसके लिए ओनली पास द स्पेशल रेजोल्यूशन, ये क्या था लीगल प्रोविजन। चलिए अब अगर केस की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, देखो इन्होंने फैक्ट्स यहां लिखा छोटा सा, ये भी लीगल लीगल लिखा है, द इंटेंशन ऑफ द प्रपोज रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस, उन्होंने क्या लिखा है स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात किसमें लिखी होनी चाहिए, नोटिस में अच्छे से स्पेसिफाई होनी चाहिए। नोटिस रिक्वायर्ड टू बी अंडर द एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन, वो नोटिस प्रॉपर लिखा होना चाहिए और 3 times होना चाहिए, उन्होंने बताया ये लीगल प्रोविजन बताया, ये है फैक्ट्स, फैक्ट्स रीड कर रही हूं। एज पर द फैक्ट गिवन आउट ऑफ 50 मेंबर्स प्रेजेंट 25 ने क्या कर रखा है फेवर में और 15 क्या है अगेंस्ट। अब मुझे बताओ इन्होंने जब ये बताया तो कितना लंबा चौड़ा बताया फैक्ट, और इनका फैक्ट क्या है, इनका फैक्ट कितने लाइन का मुझे बताओ, आप लोग अपने फैक्ट कैसे लिखते हो पता है, बिछा कर लिखते हो, पूरा क्वेश्चन उतार देते हो, क्यों उतारते हो मुझे बताओ। मैं हमेशा से बोल रही हूँ फैक्ट में क्या करना है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, 50 प्रेजेंट थे, 25 ने फेवर किया, अगेंस्ट में 15 थे, तो भाई ऐसा नहीं पास होता है, खत्म। आपको पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं, आप क्या बताओगे अकॉर्डिंग टू फैशन लिमिटेड, फैशन लिमिटेड ने क्या किया है मीटिंग करवाई है और एसआर पास करने की बात करी है, सब क्यों बताने की जरूरत है, इतनी बातें क्यों, आपको बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट डाउन करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं, नहीं तो क्वेश्चन इतना बड़ा, आपका आंसर इतना बड़ा हो जाएगा अननेसेसरी और टाइम वेस्ट होगा। कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी आता है, क्लियर बच्चा, ओनली फैक्ट्स, फिर बताओगे कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन बताओगे, लीगल प्रोविजन में क्या बताओगे बताओ, कि अगर मैनेजर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो एसआर पास होना चाहिए, दूसरी बात क्या लिखोगे एसआर के लिए क्या होना चाहिए 3 times होना चाहिए, ये लिख दिया, हो गया इफ लीगल प्रोविजन खत्म, फिर क्या बताओगे फैक्ट्स, वही जो उसमें लिखा है 50, 15, 20, 25 जो भी है लिखना, और फिर क्या लिखना कंक्लूजन। कंक्लूजन बहुत बड़ा है क्या, वोस का इन फेवर इज नॉट 3 times, तो 3 times नहीं है तो भाई नहीं हो पाएगा, क्लियर है,
बन जाएगा, लिखने का तरीका डिस्कस करें। चलिए वापस क्वेश्चन रीड करेंगे, फैक्ट्स में पूरा नहीं उतारना, पूछूंगी अभी फैक्ट्स में क्या लिखना है। रीड करो पहले। जब आपने एक हेडिंग पढ़ी है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आपकी बुक में ढूंढो, ढूंढ के बताओ पेज नंबर, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस में 582 में जाओ और ओल्ड सिलेबस में बताओ, ढूंढो एक बार। रीड करके आप ही मुझे बताओगे क्या लिखने वाले हो, क्यों एग्जाम में आपके नंबर कम आते हैं, क्योंकि हम मॉड्यूल जैसा आंसर नहीं लिख रहे होते। तुम लोग को मैंने तीन तीन सीएस से मिलवा दिया, सबने क्या बोला, मॉड्यूल ही की है सजेस्टेड आंसर। एक बार सोच के देखो एग्जामिनर के पास सजेस्टेड आंसर में क्या है, मॉड्यूल का वो पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ वही है सजेस्टेड आंसर में। मेरे पास, मैं नहीं हूं टीचर, तुम लोग को नहीं पढ़ा रही, तो मुझे याद भी नहीं है। बींग अ टीचर मुझे काफी कुछ याद रहेगा, लेकिन वहां जो कॉपी चेक कर रहे हैं वो टीचर नहीं होता है। इंस्टीट्यूट की प्रॉपर गाइडलाइन है, कोई भी टीचर कॉपी चेक करेगा नहीं। मतलब अगर मैं टीचर हूँ, मैं अगर रिक्वेस्ट डालू कि नहीं मुझे कॉपी चेक करना है, तो इंस्टीट्यूट मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उन्हीं के बच्चे है ना, इधर उधर हो सकती है चीज़ें। तो प्रैक्टिसिंग सीएस जनरली इसमें कॉपी चेक कर रहे, तो उनको चीज़ें प्रैक्टिकल मालूम है, इतनी बुकिश लैंग्वेज में याद नहीं है। तो सजेस्टेड आंसर में आपका ऐसा मॉड्यूल होता है, तो ट्राई करेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल क्लोज हो। मैं नहीं कह रही हूँ 100% एग्जैक्ट हो भी नहीं सकता, लेकिन क्लोज हो सकता है। ये क्लोज कैसे होगा, कीवर्ड्स उठाने। अब बताओ मुझे तुम लोगों ने क्या क्या कीवर्ड्स उठाए, उसमें एक बस सीएस की बात लिखी है, सीए की भी लिखी है क्या, सीएमए की भी लिखी है क्या, हम उसे लिखेंगे, लिखेंगे हम ये लिखेंगे कि भाई सीए सीए सीएमए जो भी है, एडवोकेट भी लिखा है, एनी अदर लिखा है ऑथराइज, ये सारी लिस्ट बनाई है। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग अटेंड करने आएंगे, अगर ये मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे तो वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पूरा लीगल प्रोविजन आपको लिखना है। देखो ये होता है सजेस्टेड आंसर, पूरा लिखा है, इन्होंने फोकस कर दिया सेक्रेटरी ऑडिटर, आप पूरा बताएंगे और फिर आप अपना अपना क्या बताओगे बच्चा, फैक्ट बताओ। इसने भी फैक्ट ज्यादा बताए, अब आप ट्राई करेंगे फैक्ट्स क्या बताएंगे, बताइए। बिकॉज ऑफ वेदर, बैड वेदर कंडीशन, बस ये लिखना, बाकी कुछ नहीं। सेक्रेटरी ऑडिटर खुद प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ जो भी उसकी लैंडिंग थी, ठीक है, खत्म है ना, ये तो कंक्लूजन हो जाएगा, फैक्ट्स यहां पर खत्म। फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे, देखो कंक्लूजन, कंक्लूजन मैं कह रही हूँ कि आप भी ट्राई करो, दो लाइन से ज्यादा बड़ा। इन्होंने हाईलाइट करने के लिए क्या कर दिया, हैंडराइटिंग ही बदल दी, आपका हाईलाइटर क्या होगा, मार्क कर देंगे, मार्क कर देंगे, कहाँ मार्क करेंगे, सेक्रेटरी ऑडिटर ऑफ द राम लिमिटेड कैन ऑथराइज, ये हाईलाइट होगा आपका, ये आपका हाईलाइट होगा, कैन ऑथराइज इज रिप्रेजेंटेटिव। चेक करने वाला क्या करता है पता है, पहले मैं अगर चेक करूं, मैं भी आपकी कॉपी वैसी चेक करती हूँ जैसे इंस्टीट्यूट में होती है, मैं पहले आपका आंसर उठाऊंगी और आपकी केस स्टडीज में देखूंगी आपने कैन लिखा कि कैन नॉट। अगर आपने कैन नॉट लिखा है तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, जीरो देने वाली हूँ। क्या बात समझ में आ रही है, अगर आपका कंक्लूजन गलत है, लीगल प्रोविजन आपने भले ही सही लिखा हो, आपने क्या लिखा है कि देखो वो नहीं आ सकता तो वो अपने बंदे को भेज सकता है, ये आपने लीगल प्रोविजन लिखा हो, नीचे जाके आपने लिख दिया कैन नॉट, मतलब आपने क्वेश्चन समझा ही नहीं है। जब आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो क्या मैं आपको एक नंबर देने वाली हूँ, दो नंबर देने वाली, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, इसमें आंसर लिखा होगा, सजेस्टेड जो आंसर दे रखे उसमें लिखा होगा, कैन भी होगा कैन नॉट भी होगा, तो जिसमें होगा तो मैं ध्यान से पढ़कर देखूंगी है ना, लेकिन अगर जिसमें टू द पॉइंट है कि इसमें कैन होगा या फिर कैन नॉट ही होगा, तो क्या अंदर पढ़ने वाले हम नहीं पढ़ने वाले, यही होता है इंस्टीट्यूट। भाई आपका लीगल प्रोविजन भले ही सही हो, मुझे आपका कंक्लूजन सही चाहिए। मान लो क्या हो गया, आपने कंक्लूजन सही लिखा है और लीगल प्रोविजन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है तो नंबर कम हो जाएंगे। कंक्लूजन सही है, अंदर का कंटेंट कम ज्यादा है तो नंबर कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपका कंक्लूजन ही गलत है और लीगल प्रोविजन पूरा 100% सही लिखा है, जीरो मिलता है, नंबर मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या है, अगर आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है बींग अ सीएस, आप उस क्लाइंट के क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाए, इस केस स्टडी को ही नहीं समझ पाए, तो आंसर गलत कर दिया ना। समझ रहे हो क्या होता है? चलो अब आंसर समझ में आया कैसे लिखेंगे, चलिए ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड करो, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सब। श्रेयांश क्वेश्चन समझ में आया, कंक्लूजन बता पहले, पढ़ो पढ़ो। एक बात मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सब बन गया ना, एक होता है कंसेप्ट समझना, एक होता है पढ़ाई करना जो आप लोगों ने कर ली है, और दूसरा होता है एग्जाम के लिए तैयार होना।
अगर आप एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, पढ़ना जीरो है, क्योंकि एग्जाम के लिए तैयार होना मतलब उस 3 घंटे की प्रिपरेशन करना, पढ़ तो लिया है ना, दिक्कत क्या है, मतलब क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मस्ट है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें अप्लाई करना है ना, तो प्लीज ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो ये होने वाला है ना, थोड़ी ना कहने वाली चैप्टर पढ़ के सुना दो, ऐसा बोलते हैं क्या, तब तो तुम लोग को पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, शायद एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, है ना, लेकिन केस स्टडीज होता है, तो एग्जाम के लिए तैयार होना है हमें, अभी हम एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, नंबर बिल्कुल नहीं अच्छे आ रहे, कॉपी दूंगी मैं तुम लोग को, ठीक है, हाँ एक कॉपी, 2 टेस्ट हो चुके ना तुम्हारे, एक कॉपी मिल जाएगी तुम लोग को। चलो श्रेयांश कंक्लूजन बता, कोरम होगा कि नहीं होगा पहले तो ये बता, कोरम होगा, हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, ट्राई करेंगे अपन बेटा, करो, वैलिड नहीं होगा, कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा, कितने लोग बोल रहे कि हाँ वैलिड नहीं होगा, कितने बच्चे बोल रहे वैलिड है, सब बोल रहे ना, तो कंक्लूजन तो सही है, अब ट्राई करो, श्रेयांशी ट्राई करेगा, पहले क्या लिखेगा लीगल प्रोविजन में, ई वोटिंग के बारे में बताएंगे, ई वोटिंग के बारे में बता, क्या एक्सप्लेन करेगा, बहुत जनरल जनरल बातें बोली तूने, है ना, नहीं, नाम क्या है, भव्या नाम है क्या, मोटवानी, क्या नाम है, भूमिका मोटवानी, है ना, भूमिका, ट्राई कर, लीगल प्रोविजन में क्या लिखेंगे, ठीक है, प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख देंगे अगर नहीं याद है तो, गुड, फिर चलिए कोई और कर सकता है क्या एक्सप्लेन, जी हाँ एक्सप्लेन कर सकते बेटा, चलो मैं बता रही हूं, पहले तो क्वेश्चन में एक बार आप लोग के लिए रीड करना चाहूंगी, बच्चा क्या लिखा है, कंपनी है बच्चा पल्लवी केमिकल, रिजोल्यूशन पास करी किस चीज को लेकर, कि उन्हें बोनस शेयर इश्यू करना है, कहां, जनरल मीटिंग, वॉज पुट टू, क्योंकि हमने पढ़ा है जनरल मीटिंग से पहले क्या हो जाता है, रिमोट की फैसिलिटी दे रही है, रिमोट ई वोटिंग की फैसिलिटी दी जा रही है, मतलब आज है जनरल मीटिंग लेकिन ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग हो चुकी है, कुछ लोग हैं जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग दे दिया, क्लियर है, अब आज क्या हो रही है, मीटिंग, जब मीटिंग हुई तो हमने देखा है रिक्विजिट मेजोरिटी हैज, क्या लिखा है, रिक्विजिट मेजोरिटी हैज अप्रूव बट कोरम इज नॉट प्रेजेंट एट द जनरल मीटिंग, रिमोट ई वोटिंग की कैलकुलेशन हमने करी तो उसमें हमें क्या दिखा कि सबने क्या कर दिया है, मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास कर दिया है, मतलब रिमोट के थ्रू ही हो चुका है, हमें साफ दिख रहा है, ठीक है, ओआरएसआर पास हो गया है, लेकिन आज क्या होनी थी, मीटिंग होनी थी, मीटिंग तो करवाना है, मीटिंग में हमने देखा कि भाई कोरम ही नहीं हुई, कंपनी कौन सी है, पब्लिक ही प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, अब इसमें पूछा नहीं है, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पूछ रही हूं मैं, कोरम याद करो पब्लिक कंपनी का, अगर 1000 तक के होंगे तो 5000 से कितना ज्यादा, 5000 तो 15, 5000 से ऊपर 30000, जस्ट पूछ रही थी रिकॉल करने के लिए, ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई एक पब्लिक कंपनी कोरम आए नहीं, तो अज्यूम कर रहे हैं हम कि भाई 5 ही लोग आने थे, 1000 से कम थे मेंबर, 5 लोग भी आए नहीं, मीटिंग हुई क्या, जब मीटिंग नहीं हुई तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि मीटिंग जरूरी थी ना, ये तो मीटिंग है तो वो फैसिलिटी है, मीटिंग ही नहीं तो फैसिलिटी जीरो, अब उस फैसिलिटी में रेजोल्यूशन पास हो गया लेकिन जब मीटिंग में कोरम ही नहीं है तो क्या इसे रेजोल्यूशन पास माना जाएगा, नहीं, तो वेरी गुड आपने आंसर दिया, व्हाट विल, ठीक है, वुड बी द इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशंस क्या होगा, इंप्लीकेशन ये होगा कि मीटिंग जीरो हो जाएगी, कंक्लूजन तो समझ में आ गया, नॉट प्रॉपरली पास, नहीं मानेंगे प्रॉपरली पास है, कंक्लूजन समझ में आ गया, क्या लिखेंगे कि जो भाई मीटिंग में जो रेजोल्यूशन, क्योंकि कोरम के, सॉरी कोरम प्रेजेंट नहीं था तो इसलिए ये रेजोल्यूशन जो वैलिड नहीं है, ये कंक्लूजन है, अब फैक्ट्स होते हैं, ये क्या है फैक्ट्स और ये क्या है हमारा लीगल, इन्होंने बोल दिया ये फैसिलिटी है, ये क्या एक फैसिलिटी है, रिमोट ई वोटिंग डज नॉट डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग, डिस्पेंस मतलब एग्जेम्प्ट, छूट देना, रिमोट ई वोटिंग से रेजोल्यूशन पास कर देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जनरल मीटिंग नहीं करवाना, जनरल मीटिंग तो मस्ट है,
मेन जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग है तो वो ई वोटिंग, रिमोट ई वोटिंग है, अदरवाइज वो नहीं है। तो ये बोल रहे कि इसका मतलब ये नहीं कि आपको मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, मेंबर नीड टू बी पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग टू कॉन्स्टिट्यूट कोरम। कुछ ज्यादा इसका प्रोविजन एक्चुअल में है ही नहीं, बस आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मीटिंग बहुत जरूरी है, उसके बिना रिमोट ई वोटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती, आपको ये एक्सप्लेन करना है लीगल प्रोविजन में। फिर फैक्ट्स, फैक्ट्स इन्होंने बता दिए कि भाई रिमोट ई वोटिंग में हुआ और इसमें नहीं हुआ, तो यस कंक्लूजन वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एडजोन होगी तो दोबारा से डिस्कशन होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो जैसे कि एक डाउट आया कि एडजोन मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग तो अब एडजोन होगी ना, तो ये रेजोल्यूशन पास है कि फेल है? ये फेल है, ये क्या हो गया? फेल। अब एडजोन होगा एक हफ्ते बाद मीटिंग, तो उस मीटिंग में नई तरीके से डिस्कशन होगा, ये रेजोल्यूशन जीरो हो जाएगा। समझ में आया पक्का बाकी सबको भी? नेक्स्ट केस रीड करेंगे बच्चा। कंक्लूजन पता है, वेरी गुड, लेकिन लिखना भी पता होना चाहिए। चलिए पहले तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? पहला स्टेप क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया, आंसर बन गया, मतलब आ गया ना, आंसर ही नहीं बनता कभी कभार। पहला स्टेप क्वेश्चन समझ में आया, दूसरा स्टेप आंसर, और तीसरा राइटिंग, उसका लिखना। ठीक है, क्या है इसका आंसर? वेदर बोथ ऋतिक और सोनू अपॉइंट हो सकते हैं क्या? रोहित का प्रॉक्सी कितने बोल रहे हैं, हो सकते हैं? नहीं हो सकता। इन्होंने क्या बोल दिया है? क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है ना, दोनों मिलकर रोहित के बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कंक्लूजन साफ बोल दिया है, ऋतिक सोनू कैन नॉट अपॉइंट सेम पर्सन, सॉरी ऋतिक और सोनू दोनों रोहित को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, कंक्लूजन यही है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग क्या हो रही है? मोर देन 10%, ये कंक्लूजन है। तो आपका हाईलाइट क्या होना चाहिए, फैक्ट्स क्या होने चाहिए? फैक्ट्स बताओ, दोनों का डेटा दोगे, डेटा क्या दोगे? कंपनी का पेडअप, दोनों का शेयर होल्डिंग, और शेयर होल्डिंग को ऐड करके बताओगे कि देखो 10% से ज्यादा हो रहा है, ये फैक्ट्स है बस। अब मुझे तो लीगल प्रोविजन क्या लिखोगे? वेरी गुड, एक लीगल प्रोविजन था कि एक प्रॉक्सी कितने मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? 50। ठीक है, एंड उनकी होल्डिंग 10% से ज्यादा नहीं, बस यही था, और भी था? वेरी गुड, से ज्यादा हो रहा है तो हो सकता है, ये भी पढ़ा था ना, पूरा लिखना पड़ेगा। ये लिखा है इन्होंने, देखो ये 50 मेंबर्स, मेंबर होल्डिंग एग्री 10%, अ मेंबर, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने दूसरा भी बताया, अ मेंबर होल्ड मोर देन 10%, ये वाला तो आपको पता चल गया था, दूसरा वाला भी याद था क्या कि एक मेंबर 10% से ज्यादा? कितने बच्चों को ये याद था दूसरा वाला बात? ये याद नहीं था, मतलब नंबर कम मिलेंगे ना तुम लोग को। समझ रहे हो डिफरेंस क्या आता है आंसर लिखने में? डिफरेंस क्या आता है? जिसने बस ये लिखा है पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब, क्योंकि प्रोविजन कंप्लीट ही नहीं लिखा। ठीक है, तो पहला ये मेन प्रोविजन है, 5 मार्क्स का, आपने ये लिखा, कंक्लूजन सही लिखा है। शायद मैं आपको 2 नंबर या 3 नंबर दूंगी आउट ऑफ 5। क्या दीदी आप इतने काट लोगे? हाँ बच्चे इतने काट लूंगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये भी लिखा है तो आपको मिल जाएंगे 5 में से 5। लेकिन कभी कभार किसी की लैंग्वेज एक्सप्रेशन प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, चलिए, तो एक मेंबर 10% से ज्यादा कर सकता है, लेकिन याद रखना वो सिंगल पर्सन को ही रिप्रेजेंट करे। ये भी एक प्रोविजन था, जितने को याद था वेरी गुड, पूरे में से पूरे, लेकिन अदरवाइज नंबर कटते बच्चा लिखने के, कटते हैं बस। सबको लगता है यार सब तो बन गया, पता नहीं क्या दिक्कत है। दिक्कत ये होती है अंदर वाली, इंटरनल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन यहां तक पढ़ लिया है, तो ये भी क्वेश्चन है, ऐसा कर देती हूँ शायद दिख जाए। कंपाउंड वर्ड सुना है? व्हाट डू मीन बाय कंपाउंडिंग? इकट्ठा कर देना, उसके कुछ प्रोविजंस है क्या तुम्हारे इसमें? देखो फटाफट, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस, फटाफट ढूंढो कंपाउंडिंग वाला प्रोविजन। पहला
पहले उस प्रोविजन को एक बार रीड करो, तब डेफिनेटली तुम्हें ये क्वेश्चन बनेगा। जिसको मिल गया प्लीज मुझे बताएंगे पेज नंबर, ताकि बाकी सबको बता सकूं। है थोड़ा सा क्या, रीड करो जितना भी थोड़ा दे रखा, एक बार रीड करो, जिसकी बुक में है वो रीड करेगा, ध्यान देंगे। अब मुझे बताओ ये कौन से एग्जाम में आया था, पर अब आप कौन से ईयर में बैठे हैं, 2020, दो साल और वेट कर ले तो 10 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट बस मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी मॉड्यूल बदलती रहती है, बहुत पुराना है, ठीक है। न्यू में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, ओल्ड में थोड़ा बहुत दे रखा है, और ये और ओल्ड वाली बात है, ठीक है। तो इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको स्कैनर जब प्रोवाइड करूंगी, ये बुक आपको मिलेगी क्वेश्चन विद आंसर। मैं जानबूझ के अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले अपना दिमाग यूज करो, आंसर कैसे लिखा जाता है। मैं एकदम से बुक दूंगी, बच्चा आप कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन देखोगे, आंसर खुद रीड करना चालू कर दोगे। पहले मैं चाहती हूँ डेवलप हो ब्रेन, तब आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम वही डेवलप करें। अगर स्कैनर में आपको पुराने क्वेश्चंस दिखते हैं तो मत डरना अगर वो आपके मॉड्यूल में नहीं है, क्योंकि स्कैनर है ना पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस, तो आपकी बुक में वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। जो बुक में नहीं है एक बार चेक करना, आइडेंटिफाई करना, नहीं होगा तो टेंशन भी नहीं लेना, क्लियर है। तो इसको अभी मैं नहीं करवा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। रीड करो और मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या। XBRL कौन से इसी चैप्टर में XBRL छुड़वाया था मैंने, ढूंढो कौन से चैप्टर में था, वर्चुअल में है ना, तो पढ़ना था ना, पढ़ने को कहा था, पढ़ा वर्चुअल में है, न्यू सिलेबस में वर्चुअल में मिलेगा, ठीक है। और ओल्ड सिलेबस में MCA 21 एक चैप्टर पढ़ने को कहा था, उसमें XBRL। तो सुनो अब मत टेंशन लो, होता क्या है आपकी जो स्कैनर होती है, मैं स्कैनर को एक बार पढ़ने का तरीका भी पैरेलली बता रही हूं। किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, क्या होता है कोई क्लाइंट आएगा किसी एक चैप्टर पे पूछेगा क्या आपसे, क्लाइंट तो अपनी सिचुएशन बताएगा ना, उसमें 2-3 चैप्टर का मिक्स हो सकता है, मैं तो कह रही हूं दूसरे एक्ट का भी मिक्स हो सकता है। क्लाइंट तो कहेगा भाई मुझे मेरी कंपनी बनाकर तो ये करके दो, लेकिन जब वो काम कर रहे होगा तो कंपनीज एक्ट भी अट्रैक्ट होगा, इनकम टैक्स भी अट्रैक्ट होगा, जिगल जो सब्जेक्ट पढ़ रहे उसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सब भी अट्रैक्ट होंगे, तो आपको पूरा दिमाग घुमाना पड़ता है ना। तो XBRL इस चैप्टर में स्पेसिफिक भले ही ना दिया हो, लेकिन आगे चल के XBRL आएगा। XBRL होता क्या है, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसमें आपको अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। मैंने शॉर्ट शॉर्ट में आपको बताया था, याद करो, AOC 4 MGT 7 AOC 4 MGT 7 ये नॉर्मल कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनीज को बोल दिया अगर आपकी लिमिट क्रॉस होती है, क्योंकि आप हाई प्रोफाइल कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, बिगर कंपनी हो, तो लिमिट क्रॉस होगी तो आपको किस फॉर्मेट में देना है, XBRL मोड में देना है, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनीज होती है उन्होंने लिस्ट दे रखी है अभी, क्योंकि ये आंसर मैं रीड करके बता रही हूँ, लेकिन ये आपकी बुक में है इस चैप्टर में और कहीं और चैप्टर में ये रिपीट आएगा। तो किन कंपनीज को XBRL फॉर्मेट फॉलो करना है, किसको करना है, जो कंपनी लिस्टेड है कहां, स्टॉक एक्सचेंज में, आइदर इंडिया या फिर देयर इंडियन सब्सिडरी, ठीक है। कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, 5 करोड़ या उससे ज्यादा, कंपनी जिसका टर्नओवर कितना है, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, वो सारी कंपनी जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या लगता है बच्चा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम एस भी बोलते हैं, ये अकाउंट्स में पढ़ोगे आप, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे सीएस के सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स पढ़ो ना, SS1 SS2, ऐसे अकाउंटिंग के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो सीए को फॉलो करने पड़ते हैं, सीएस को सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त किसको फॉलो करने, सीए को। तो इन शॉर्ट इन कंपनीज को बोल दिया आपको AOC 4 फाइल करना है, लेकिन किस फॉर्मेट में, XBRL। होता कुछ नहीं है, बींग अ सीएस आप भी ये काम कर सकते हो, जब आप सीएस बन जाओगे तो आप कंपनी से सॉफ्टवेयर खरीदते हो, XBRL का एक सॉफ्टवेयर होता है, इसमें आप अपने डेटास को डालते हो, वो ऑटोमेटिकली एक अपना लैंग्वेज बदलकर पुट हो जाता है, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकली आप देखोगे आर्टिकल 6 में। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको एक लिमिट दे रखी है और आपसे पूछा है, एग्जामिन करो
कि इनको XBRL फाइल करना है कि नहीं करना है, तो लिमिट जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो लिमिट में क्या बोल रखा है, अगर कंपनी क्या है लिस्टेड, क्या कहीं हिंट है क्या कंपनी लिस्टेड है, सब्सिडी है, तो क्या लिखा है, कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, लेकिन उसकी सब्सिडी, सब्जी कौन सी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिस्ट एट दी कहां, बॉम्बे, तो मुझे बताओ अट्रैक्ट हो रहा है कि XBRL फॉर्मेट हो रहा है, अगर ये लिमिट याद होती तो बन जाता ना, इन शॉर्ट, तो लीगल प्रोविजन पहले ये पूरा लिखते, कंक्लूजन में क्या बताते कि हाँ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी को क्या लिखा है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल बैलेंस शीट, क्यों लिखा है नॉट, क्योंकि आपने कंप्लीट प्रोविजन नहीं पढ़ा। जनरल रूल का एक एक्सेप्शन भी है, क्या एक्सेप्शन, एनबीएफसी को करने की जरूरत, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को करने की जरूरत, कंपनी इंगेज बिजनेस और इंश्योरेंस सेक्टर करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि अभी आपने पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ा, लेकिन रीड करने को कहा था वो वाला कर लेना और आगे चलकर भी आएगा। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन मिक्स्ड है, दूसरे चैप्टर को इस चैप्टर को मिक्स कर क्वेश्चन पूछा गया। अभी बोलो क्वेश्चन समझ में आया, जनरल रूल इन कंपनीज को करना पड़ता है, एक्सेप्शन इनको करने की जरूरत नहीं है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी भी है। अब क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको XBRL फाइल करने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा लीगल प्रोविजन, दोनों बातें बताओगे, जनरल रूल विद एक्सेप्शन बता दोगे, फैक्ट्स में क्या बताओगे कि ये कंपनी कौन सी है, इंश्योरेंस कंपनी है, और फिर कंक्लूजन में आओगे जस्ट बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी इसमें एप्लीकेबल नहीं है, बन जाएगा पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो जल्दी, अब देखते हैं बनता है कि नहीं बनता, तुम लोग का क्वेश्चन रीड करो। मेरी बात अच्छे से समझो, कंपनी की एजीएम किस तारीख को रखी गई है, 28, क्या 28 को काउंट करते हैं, गुड, नोटिस कब दिया गया है, इसको भी काउंट, दो दिन काउंट नहीं करेंगे, गैप काउंट करो कितने का हो रहा है, गैप क्या, किसी ने ये ध्यान दिया, पलक क्या गलती भी समझ में आया, अगर पोस्ट किया है तो 21 डेज और बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दो दिन और, 23 हो जाते हैं, अगर पोस्ट वर्ड को हटा दो, नॉर्मल लिखा रहते तो क्लियर 21 डेज हो रहे हैं, है ना, लेकिन अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो बच्चे वो भी तो कंसीडर करना था ना, तो होता क्या है, ऐसे छुपा हुआ लिखा रहता है, ठीक है, चलो आंसर तो पता चल गया वैलिड है, लिखोगे कैसे, कंक्लूजन समझ में आ गया, कंक्लूजन क्या बोलोगे, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट से किया गया है तो हमें क्लियर 21 डेज और प्लस दो दिन के एक्स्ट्रा कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए फैक्ट्स भी आप लिख दोगे, फैक्ट्स क्या लिखोगे, पोस्ट में दो दिन चाहिए रहते हैं, ठीक है, इनकी डेट बताओगे, एजीएम 28 की है और पोस्ट 6 तारीख को किया गया है, क्योंकि पोस्ट किया गया तो दो दिन और कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। लीगल प्रोविजन क्या लिखोगे, यहां दिक्कत है, बताओ, लिखना पड़ेगा, जनरल मीटिंग, वेरी गुड, जनरल मीटिंग इज नॉट लेस देन 21, ये वर्ड लिखना है, क्लियर डेज, ये लिख लिया आप लोगों ने, आप क्या लिखो, बस 11 डेज खत्म ना, यही मैं यही देखती हूँ कि बच्चों के जो आंसर मैं देखती हूँ ना, बच्चा उसने अगर ये कंप्लीट लिखा है इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये होता है कंप्लीट प्रोविजन, लेकिन हम क्या लिखे, क्लियर 21 डेज खत्म, दीदी बताओ क्यों नंबर काटे हैं, पूछने आते हो तुम लोग, अब इतनी सारी बातें रहती हैं काटने को, बच्चा ये रहता है, मुझे क्या चाहिए आपके आंसर में, देखो सेक्शन नंबर याद है तो वेरी गुड, नहीं है तो क्या लिखोगे, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, याद है, नोटिस को तो याद भी किया था हमने, सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, चलो, अ जनरल मीटिंग गिविंग नॉट लेस देन, बस इतना भी लिखो, मैं नहीं कह रही इतनी बिछा के और लिखो, क्लियर 21 डेज आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इतना मुझे चाहिए, मतलब आपके एग्जामिनर को चाहिए, मुझे चाहिए मतलब एग्जामिनर को, देन द गिवन फैक्ट्स, इन्होंने फैक्ट्स बता दिए, खत्म लीगल प्रोविजन इनका, ठीक है, लेकिन ये लीगल प्रोविजन कंप्लीट नहीं है, इन्होंने भी कंप्लीट नहीं लिखा है, क्या होना चाहिए था, पोस्ट, पोस्ट का 48 आवर्स लिखोगे, वहां दो दिन नहीं लिखे थे, 48 आवर्स, ये भी लिखोगे, दो बातें लिखोगे लीगल प्रोविजन में, फिर इन द गिवन फैक्ट इन्होंने डेटा दे रखा है, 28 को बुलाया गया है, ठीक है, 6 सितंबर को नोटिस दिया गया है, 21 क्लियर डेज नोटिस, क्यों, सॉरी 19 क्यों लिखा है फैक्ट्स में, क्योंकि दो दिन उन्होंने पोस्ट का कंसीडर किया तो डेज और कम हो गए ना, वैसे 21 क्लियर डेज हो रहा था, हमने दो दिन और कंसीडर किया तो गैप कितने का हो गया, 19,
21 में से 2 माइनस कर दो 48 आवर्स है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई गैप कितने का और है 19 किलर डेज का, जो सही नहीं है। द नोटिस फॉल क्या बोला उसने, 2 दिन शॉर्ट हो रहे, तो अब कंक्लूजन है नॉट प्रॉपरली कन्वे। देख रहे हो कितना सिंपल एंड स्वीट लिखा है, आपको भी बस इतना ही लिखना है ना। लीगल प्रोविजन में दो बातें, पहला किलर 21 डेज 48 आवर्स, इन्होंने 48 आवर्स खा गए हैं ठीक है, यहां इन्होंने कवर कर लिया है, लेकिन नहीं हम तो लीगल प्रोविजन में करेंगे, फिर फैक्ट्स लिखेंगे, फिर कंक्लूजन बन जाएगा क्या ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। देन नेक्स्ट ट्राई करो, आंसर मत रीड करना बच्चा, क्वेश्चन बस रीड करो, खुद से खुद का दिमाग लगाओ। सबने पढ़ लिया, नंदिनी बताएगी। अब बस मुझे बताओ इस चैप्टर में कहीं भी आपने पढ़ा था क्या 45 डेज का अप्रूवल का ड्यूरेशन होना चाहिए, तो वो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं एक्चुअली में, और तुम लोग गुमराह भी हो रहे हो क्या, नहीं वे वेरी गुड, अगर नहीं हुए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर लिखना है ठीक है। क्वेश्चन रीड करूं पहले तो आपके लिए, द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड, क्या लिखा है, अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड एंड द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द एजीएम। याद करो जब एजीएम होता है तो 4 ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करते, पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके साथ ऑडिटर रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट, ये तो एक बात, दूसरा डिविडेंड डिक्लेयर करना और ऑडिटर और डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, यही होता है 4 बातें। अब ये किसकी बात कर रही है, पहली बात, लेकिन ये एजीएम की बात कर रहे हैं, नहीं सीन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये 2 चैप्टर का मिक्स है। अभी आपने बस जनरल मीटिंग पढ़ा है, क्या बोर्ड मीटिंग पड़ी है क्या, नहीं, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग ही है, लेकिन तुम्हें एक पूरी की पूरी मैं स्टोरी बता रही हूं कि कैसे काम होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां तक के प्रिपेयर करने होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही होता है, मार्च तक कंपनी में काम कैसे चलता है ये बता रही हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें तैयार करने होते हैं 1 अप्रैल से, मतलब खत्म हो गया ना काम, 31 मार्च तक बिजनेस ट्रांजेक्शन चल रहे, जो बिजनेस हुआ आपकी जो बुक्स बैलेंस शीट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन होगा कब तक का होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बिजनेस, ये होता है। अब कंपनी के अंदर का एक सीईओ होगा, 2 टाइप के सीईओ होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। अंदर का जो सीईओ होता है वो अकाउंट्स बना रहा होगा, बाहर का सीईओ होता है वो अकाउंट्स को चेक करेगा ठीक है। अंदर का सीएस कंपनी से सारे लॉ फॉलो करवाएगा, बाहर का सीएस जो सेक्रेटरियल ऑडिटर कहलाता है वो अंदर के सीएस के काम के लॉ जो उसने बनाए हैं कंप्लाई करवाए उसे चेक करेगा, ये ऐसे काम चलता है। अभी किसकी बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो कौन आगे आएगा, किसकी बात कर रही हूं, सीए की सीएस की, अकाउंट्स की बात आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी, तो भैया मैं सीए की बात कर रही हूं ठीक है। अब 1 अप्रैल से अंदर का जो सीए होगा जो जॉब कर रहा है वो अकाउंट्स बनाना चालू कर देगा, यस और नो, चलो अकाउंट्स उसने बनाना चालू कर दिया, फटाफट बनाएगा, बनाकर फिर किसे देगा, बाहर के सीए को देगा, क्या कर ले भाई, चेक कर ले, ऑडिट कर ले, दैट इज ऑडिट, उसे हम ऑडिट बोलते हैं, ऑडिट कर लिया। अब ऑडिट की एक रिपोर्ट आएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेक करेंगे कि भाई क्या क्या दिक्कतें थी हमारे अकाउंट्स में, सब बढ़िया है कि नहीं, तो फिर बोर्ड रिपोर्ट भी बनती है। तो जो मैंने अभी आपको बताया ना ऑर्डिनरी बिजनेस जो डिस्कस होता है मेंबर्स के सामने, तो क्या क्या डिस्कस होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव की जाती है, मतलब पहले किसने अप्रूवल दी होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उन्हीं के सामने बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट रखी जाती है, मतलब ये सारी चीजें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले ही कर चुके हो। अप्रैल तक के टाइम में फटाफट अंदर के सेम अकाउंट्स बनाया, बाहर के ऑडिटर को दिया, उसने अपनी रिपोर्ट दी, फिर डायरेक्टर उस ऑडिटर रिपोर्ट को देखकर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोर्ड रिपोर्ट। अब जब मीटिंग होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उस ऑडिट रिपोर्ट को रखा जाएगा ठीक है, और पहले क्या होगा, अंदर का सीए क्या कहेगा, देखो डायरेक्टर मैंने ये अकाउंट्स बनाकर दिए, आप एक बार देख लो, आप एक बार क्या कर लो, देख लो। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, द टाइम गैप बिटवीन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहले इस अकाउंट्स को उन्होंने देख लिया ताकि क्या कर सके, सीए को भेजना है ऑडिट करने वालों को, भाई कोई गलतियां ना निकालो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लिया, सीए वाले ने भेजा, अब इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टर ने क्या कर दिया, अब अप्रूव्ड हो गया ये कंप्लीट, सीए ने भी चेक कर लिया। अब किसके सामने रखना है, मेंबर के सामने, मतलब कि मेंबर के सामने जाने से पहले डायरेक्टर से क्या करते हैं, अप्रूव्ड करते हैं। तो एक बोर्ड मीटिंग हुई होगी जिसमें अप्रूवल मिली, अब एजीएम की डेट डिसाइड हुई, द डेट ऑफ नोटिस ऑफ द एजीएम शुड बी कितने डेज के अंदर, 45 डेज। क्या इन्होंने, हमने पूरे इस चैप्टर में कहीं ऐसा पढ़ा है क्या कि 45 डेज का गैप होना चाहिए, नहीं, ऐसा कहीं भी स्पेसिफाई
नहीं है, लेकिन बस उन्होंने ये बोल रखा है कि नोटिस, एजीएम का जो नोटिस होगा कितने दिन पहले होना चाहिए, 21 किलो डेज, 45 डेज की ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो कमेंट ऑन दिस, तो आपको कमेंट देकर यही बताना है कि भाई ऐसा कोई भी लीगल प्रोविजन बोलता नहीं है, बस ध्यान ये रखना है कि पहले अप्रूव्ड हो जाना चाहिए बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फिर मीटिंग होनी चाहिए, और दोनों का गैप, अगर नोटिस का गैप कितने का है, 21 डेज का, मतलब बोर्ड मीटिंग का गैप तो और ज्यादा होगा, लेकिन कोई डेट स्पेसिफाई नहीं है। कमेंट ऑन दिस में समझ में आया, तो एक बार फटाफट रीड करेंगे। नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द टाइम गैप, पहला पॉइंट समझ में आया। लेकिन 101 बोलता है किस चीज की बात बोलता है, 21 किलो डेज की बात बोलता है। एज पर दिस फाइनेंस स्टेटमेंट अप्रूव किया जाते हैं, जो मैंने आपको बताया बिफोर, एजीएम में जाने से पहले कौन साइन करता है, डायरेक्टर्स, मतलब ऐसे ऑडिट रिपोर्ट आएगी, ऐसे डायरेक्टर साइन करेगा, सीए भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट में साइन करेगा, और फिर इसे उठाकर कहां लेके जाएंगे, एजीएम में मेंबर्स के सामने, ठीक है। फिर उन्होंने ये लिखा है कि जनरल मीटिंग में सेंड किया जाएगा, एवरी मेंबर, एवरी ट्रस्टी, इन सबको ये डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, नोटिस 11 डेज का होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटलीस्ट बिफोर सेंडिंग दी। इन्होंने कहा क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, बस हमारा कंक्लूजन क्या है कि एजीएम के नोटिस से पहले हो जाना चाहिए। यही अभी अपन ने डिस्कस किया, किस टाइप का क्वेश्चन था, ये जनरल क्वेश्चन था, ये किस पे था, जो आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड पूछा गया है। तो एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो एकदम एग्जैक्ट आपकी बुक से मॉड्यूल से पूछा जाएगा, और दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा घुमाया जाएगा आपको, तो इसमें हम ज्यादातर ब्लैंक हो जाते हैं। जो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन थे, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन, लीगल प्रोविजन याद है तुरंत आंसर दे दोगे, और ये क्या है, जनरल क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपको जो पढ़ाया गया है उससे आपका जो बेस बना है वो पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऐसा है क्या, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये बोल किसकी बात रहा है, वेरी गुड, ये ऑर्डिनरी है, इससे क्या क्लिक हुआ, एडॉप्शन ऑफ अकाउंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही ऑडिट रिपोर्ट, वही बोर्ड रिपोर्ट, वही। इन्होंने कहा ये एक इंपॉर्टेंट बिजनेस है, इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं, जब लॉ की लैंग्वेज में जाएंगे, लॉ की लैंग्वेज जाते हैं, लॉ की लैंग्वेज में बोला ये तो ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसका तो डिस्कशन होना ही चाहिए, तो होना ही चाहिए मतलब इंपॉर्टेंट है ना, वर्ड इन्होंने स्पेशल नहीं लिखा ना, इंपॉर्टेंट लिखा है, दैट मीन्स आप ये नहीं बोल सकते इंपॉर्टेंट मतलब स्पेशल, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि भाई अकाउंट्स को अडॉप्ट करना एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये बस कहां होना चाहिए, जनरल मीटिंग, क्या जनरल मीटिंग होता है, यही गलत हो जाएगा, अब जनरल मीटिंग में डिस्कस होता है, ये एजीएम स्पेसिफिक, समझ में आया, हम इसमें गुमराह हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि कहां होना चाहिए था, यहां क्वेश्चन कहां पूछा जा रहा है, जनरल मीटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है, इसे बस जनरल मीटिंग में डिस्कस होना चाहिए, कमेंट ऑन दिस नहीं, एक इंपॉर्टेंट मैटर है, एक ऑर्डिनरी बिजनेस है, बताओ, और इसका डिस्कशन वन एंड ओनली एक जगह होगा, दैट वाज ये लिखा है, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्टेड एजीएम एक्सेप्ट, वो सब क्या हो जाएंगे, स्पेशल। इन्होंने बताया ये चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ये लीगल प्रोविजन है, लीगल प्रोविजन में सारी बातें बताओगे, फैक्ट्स में क्या बताओगे, इन्होंने क्या बोल दिया, जनरल मीटिंग, बताओ इन्होंने किसकी बात कर दी, जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग होना चाहिए क्या, कंक्लूजन में क्या होगा, देखो उन्होंने लिखा ना, इंपॉर्टेंट बिजनेस क्लासिफाइड एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड वन एंड ओनली एक जगह है, वो क्या है, एजीएम, समझ में आया, पक्का, लिखने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आए, भले आंसर ना बनता हो, क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आया क्या, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कौन बताएगा, राशि बताएगी, राशि राशि, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी गुड, अनाउंसमेंट क्या होगा,
समझ गए, क्योंकि अब आप मीटिंग की पूरी प्रोसेस समझते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूं वापस। 25th को एजीएम हो रही है, कुछ शेयर होल्डर है, डिमांड कर रहे हैं क्या, पोल कर सकते हैं क्या कुछ से, मतलब एक लिमिट होती है, लिमिट कितनी थी, 110 था, है ना। चलो, इन रिस्पेक्ट ऑफ दी वन ऑफ द रेजोल्यूशन प्रपोज इन दी नोटिस ऑफ द एजीएम ऑन विच दी वोटिंग येट टू बी टेकन ऑन दी शो ऑफ हैंड वॉज येट टू बी टेकन, किससे हो गई है, शो ऑफ हैंड। शो ऑफ हैंड होने के बाद हो सकती है क्या पोल से, हो सकती है, ठीक है। प्रिपेयर करो अनाउंसमेंट टू बी मेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन द कनेक्शन विद द पोल। हमें अनाउंसमेंट क्या करनी है, चेयरमैन यहां खड़ा है, उसे अनाउंसमेंट देनी है। क्या अनाउंसमेंट देनी है, कि अब जो ये मैटर है किससे डिस्कस होगा, पोल से होगा, ये अनाउंसमेंट है। बीइंग अ सीएस आपको उस चेयरमैन की हेल्प करनी है, आपको उसको एक पूरा ड्राफ्ट बनाकर देना है, ताकि वो बस क्या करे, वहां खड़े होके रीड करे। अब तुम लोग इतने टीवी देखते हो, नेता को देखते हो, उनके पास क्या होता है, एक पर्ची लेकर आते हैं, पर्ची रहती है, उनको सब याद रहता है क्या, उन्हें मालूम है कि बहुत सारी बातें हम खा जाएंगे, कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो बच्चा उनके पीछे एक लंबी चौड़ी टीम लगी है, है ना, सारे आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं उनके पीछे, है ना, और भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, पूरी टीम। और वो लोग क्या कर रहे हैं, पूरा ड्राफ्ट करके देते हैं कि मोदी जी ये रीड कर देना। मोदी जी ने बहुत अच्छे से पहले याद कर लिया है, तो वो बिना देखे भी बोल लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें जब याद नहीं आती तो ऐसे देख भी लेते हैं, होता है। तो सेम चेयरमैन की आपको ऐसे हेल्प करनी है। अब सिंपल अनाउंसमेंट है, अब आप कहोगे कि दीदी आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, चेयरमैन की हेल्प करनी है, उसको बस लिख के देना है। चेयरमैन ऐसे बोल देगा, चेयरमैन ऐसे उल्टे सीधे बहुत काम बोलेगा आपको, कि भाई ये बता दे, ये बता दे, ये बता, हेल्प करनी है ना। याद करो स्टार्टिंग से पढ़ते थे, सीएस का काम क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस करना, है ना, जो जो वो काम कहेगा वो सारे कर लेना, वन ऑफ देम। ऐसे काम बहुत सारे रहेंगे, आपको ड्राफ्ट बहुत ज्यादा करने पड़ते। तो सिंपल अनाउंसमेंट, चलिए रीड करते क्या लिखा है। सेक्शन 109 के अकॉर्डिंग चेयरमैन बताएगा ना कि कंपनीज एक्ट अलाउ करता है आपको कि आप पोल डिमांड कर सकते हो, तो वो आप ड्राफ्टिंग में तो स्पेसिफाई करोगे ना, क्योंकि देख के बता रहे होंगे आप भी। सेक्शन 109 ऑफ द कंपनी पोल हैज टू बी टेकन बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन। इन्होंने क्या बोल दिया, हमने पढ़ा था लॉ का प्रोविजन, लॉ का प्रोविजन क्या बोलता है, कब पोल डिमांड कर सकते, रिजल्ट से पहले भी और रिजल्ट के बाद भी, तो यही लिखा है, ठीक है। कौन से रिजल्ट की बात हो रही है, शो ऑफ हैंड, ये तो पढ़ा था अपन ने। सम शेयरहोल्डर होल्डिंग द रिक्वेस्ट शेयर सेक्शन दिस इज दिस, इन्होंने आइटम नंबर बोल दिया। एक्चुअल में क्वेश्चन में बोल रखा है कि कुछ चार पांच बातें डिस्कस को नहीं है, कुछ एकाध बात को लेकर वो कह रही कि इसमें पोल करवाइए, तो अब इन्होंने आपके लिए डैश छोड़ दिया। क्यों डैश छोड़ दिया, लिखा होगा आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो ये फिफ्थ वाला आइटम है जो कि पोल से कंडक्ट किया जाएगा, तो ऐसा इन्होंने इसलिए आपके लिए छोड़ दिया गैप। क्लियर है बच्चे यहां तक। इन द नोटिस ऑफ द मीटिंग, जो आपकी नोटिस में लिखा हुआ है, ऑन द लाइन विद द बेस्ट प्रैक्टिस पोल वोटिंग एट द मीटिंग विल बी कंक्लूडेड एट द एंड ऑफ द मीटिंग। इन्होंने कहा पोल का जो भी कंक्लूजन होगा एंड में हो जाएगा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, किससे करवा रहे, अब जो वो बूथ होता था वो सिस्टम पुराना, सबके हाथ में क्या दे दिया जाएगा, एक रिमोट दे दिया भैया वोट करना, या फिर ऐप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी कंपनी का रजिस्ट्रार जो भी बोलेगा, ठीक है। अब ये कंपनीज रजिस्ट्रार लिखा है, मतलब आरओसी नहीं है, वेरी गुड, कंपनीज रजिस्ट्रार। इन्होंने कहा कंपनी के बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, एक आध एग्जाम्पल बताओ रजिस्टर के, मेंबर रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर मेंटेन होते हैं, मेंबर के नाम के लिए, डिबेंचर होल्डर के नाम के लिए, ऐसे रजिस्टर मेंटेन होते हैं। पूरा रजिस्टर का पूरा मैनेजमेंट देखने वाला कंपनी का रजिस्ट्रार कहलाता है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये आरओसी नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और कंपनीज रजिस्ट्रार डिफरेंस है। तो कंपनीज रजिस्ट्रार मतलब जो कंपनी के अंदर अपॉइंटेड बंदा है जो सारे रजिस्टर मेंटेन करता है, वो ये देखेगा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उन सारे मेंबर्स को मिल जाए जो अकॉर्डिंग टू रजिस्टर मेंबर है ना, उन्हीं के पास वोटिंग पावर है, तो पूरा लेखा जोखा वो देखेगा। आई बिलीव दैट, ये अनाउंसमेंट तैयार किया आपने, आई बिलीव दैट वोटिंग ऑन द पोल विल बी रिजल्ट द मोस्ट एक्यूरेट। अब ये थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करनी है तुम लोग को, अच्छा है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ द व्यूज ऑफ द शोल्डर, एंश्योर एवरी वोट इज रिकॉग्नाइज इंक्लूडिंग वोट ऑफ प्रॉक्सी। याद करो प्रोविजन में क्या पड़ा था, पोल तो प्रॉक्सी भी डिमांड कर सकता है और वोट भी करेगा। ऑन अ पोल ईच होल्डर हैज वोट फॉर एवरी शेयर हेल्ड। शो ऑफ हैंड क्या होता है, एक इंसान एक वोट। पोल में क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है उतने, फॉर एग्जांपल इसके पास 10,000, इसके पास 1,00,000 है, तो भाई इसकी पावर 10,000 की और इसकी पावर 1,00,000 तक की है। अगर शो ऑफ हैंड से हो रहा है तो दोनों के पास क्या है, एक एक वोट,
तो इन्होंने बताया पोल वोटिंग विल बी कंडक्ट एट द एंड, जब डिस्कशन एंड हो जाएगा तब करवाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के मैटर 10 बातें डिस्कस करनी है, पांचवें मैटर को हमें पोल से करवाना है, तो भैया पहले क्या करें, जो 9 मैटर्स हैं उनको डिस्कस कर ले। आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर एंड प्रॉक्सी टू कास्ट वैल्यूएबल वोट्स, प्लीज देकर जाना बड़ी बड़ी बातें। मुझे बताओ ये अनाउंसमेंट है, अगर ये पढ़ा नहीं भी है, क्योंकि नहीं पढ़े जाएंगे ऐसे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं ना। आपको बोल दिया जाएगा बींग अ सीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस मैटर में एडवाइस करनी है आपको मीटिंग में खड़े होकर, तो बताइए क्या लिखोगे, डिक्लेरेशन दो, तो आपको बनाना पड़ेगा। जितना भी उससे कनेक्ट होता है लीगल प्रोविजन लिखो, जैसे इसमें क्या क्या लीगल प्रोविजन आया कि पोल प्रॉक्सी डिमांड कर सकता है, ठीक है, वोट कर सकता है, और जितने नंबर ऑफ शेयर हैं उतने वोट की वैल्यू है, ये लीगल प्रोविजन। तो जितने लीगल प्रोविजन उस टाइम पर हिट होंगे आपको लिख देना, दैट्स इट, और कुछ नहीं पैराग्राफ फॉर्म में लिखना, बाकी कुछ नहीं। कुछ अलग किया क्या उन्होंने, कोई फॉर्मेट है क्या? नहीं, कुछ भी डिक्लेरेशन, ये जनरल क्वेश्चन है इन शॉर्ट में ये कह रही हूं। इन क्वेश्चन से डरना नहीं, एक ही आएगा ना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कि हर चैप्टर से ऐसे आएंगे। नेक्स्ट रीड करो जल्दी, चुपचाप पढ़ो नालायक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सब है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद यही बनना चाहिए, नहीं तो जीरो है पूरा चैप्टर। जल्दी क्या एग्जामिन करना है, चेयरमैन ने प्रॉक्सी का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, अब मुझे बताओ वैलिड है कि नहीं? नहीं नहीं, रीजन नहीं बताओ, अभी थोड़ी देर से पूछूंगी। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि वैलिड है, रिजेक्शन वैलिड है, और कितने बोल रहे हैं रिजेक्शन वैलिड नहीं है, और कितने बोल रहे दीदी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, वैलिड नहीं है? कितने बच्चे बोल रहे वैलिड नहीं है, हाथ खड़े करो, नहीं है, बाकी सब मतलब हाँ बोल रहे हैं, न्यूट्रल वालों को मैं नहीं कंसीडर करती है ना, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, बिल्कुल बैठे हुए ना, लाइक हाँ बोल रहे ना, वैलिड है, रिजेक्शन वैलिड नहीं है, मतलब चेयरमैन ने गलत किया ऐसा बोल रहे ना, दो तीन देखो बोलने का तरीका अलग अलग, पहले क्या बोल रही है, ठीक है, आस्था क्या बोल रही बेटा, ठीक है, मानसी क्या बोल रही है, ठीक है, नुपुर क्या बोल रही है, रिजेक्ट कर सकता है वो। देखो दो बातें हैं, एक होता है कंक्लूजन सही होना और एक होता है लीगल प्रोविजन भी सही होना, दोनों सही होने पे पूरे नंबर मिलते हैं। अगर कंक्लूजन सही है तो थोड़े नंबर मिल जाएंगे, कंक्लूजन ही सही नहीं है तो लीगल कितना भी सही बोल लो जीरो। अपन क्या बोल रहे, फिर मैं नाम भूल गई, भाव्या, भाव्या ना, अरे यार भूमिका क्या बोल रही बेटा, वैलिड नहीं है, मतलब नहीं रिजेक्ट करना था। जिया क्या बोल रही है, चलो सीधा पहले कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन रीड करो, ठीक है। एज पर द फैक्ट्स गिवन इन द केस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ने क्या बोल रखा है, आर्टिकल ने क्या बोल रखा है, 70 आवर्स पहले, द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग से 70 आवर्स पहले, सच प्रोविजन इज वैलिड, मतलब चेयरमैन ने अगर रिजेक्ट किया है तो एकदम सही किया है। चेयरमैन डिसीजन इज टू बी रिजेक्ट प्रॉक्सी फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स इज नॉट सबमिटेड बिफोर द 7 ईयर बिफोर द शेड्यूल टाइम। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि उसने बिफोर एजिम किया, लेकिन आर्टिकल 70 आवर्स, याद करो लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन में क्या लिखा था, 48 आवर्स, यस और नो, और आर्टिकल चाहे तो प्रॉपर लिखा था कि आर्टिकल में चाहे, आर्टिकल चाहे तो उस 48 आवर्स को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता, मतलब कंपनीज एक्ट बोलता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ये बोलो, पढ़ा था ना ये पॉइंट, याद है क्या, नहीं याद है इसीलिए बस भूल गए। किस किस को याद आ गया था ये प्रोविजन, आज तक को याद नहीं आया था ना,
जाओ जाओ प्रॉक्सी वाले पॉइंट में जाओ, देख लिया उसमें साफ साफ लिखा है कि 48 आवर्स कंपनीज एक्ट बोलता है आप इस 48 को 50, 60, 70, 80, 90 कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल में लिखा होता कि 20 घंटे पहले देने का है तो फिर कंपनीज गलत है, चेयरमैन गलत है, लेकिन चेयरमैन तो सही क्या ना, बढ़ा के रखा था तो यस उसका रिजेक्शन सही है। समझ में आया? कम नहीं कर सकते, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंक्लूजन समझ में आ गया कि उसका रिजेक्शन एकदम वैलिड है। अब आते लीगल प्रोविजन में और फैक्ट्स में। लीगल प्रोविजन वही जो पॉइंट्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कि 48 आवर्स और बताओगे कि आर्टिकल, वेरी गुड, ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। हाँ बेटा, क्योंकि उनके पास पावर है, वो चाहते हैं कि हमें प्रॉक्सी जितने भी है और पहले पता चल जाए ताकि हम इंतजाम कर सके। देखो जितनी बड़ी कंपनी ना, उनके उतने ज्यादा नाटक हो जाते हैं, काम ज्यादा करना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई 48 आवर्स पहले भी बताओगे तो लोग एंड एंड में बताएंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमें पहले से इन्फॉर्म कर दो, हमारी विंडो ओपन है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारी प्रॉक्सीज ज्यादा आने वाले हैं। तो जब कंपनी बड़ी, प्रॉक्सी ज्यादा, तो टाइम आप बढ़ा भी सकते हो। तो इस कंपनी ने ये वाला ऑप्शन ले लिया, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने क्या बोला, ऑप्शन है ना, चाहो तो बढ़ाओ, चाहो तो मत बढ़ाओ, सेम रखो लेकिन कम मत करना। इसने कहा हमारी बड़ी कंपनी, हम ज्यादा टाइम बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे काम जल्दी हो जाए, जितने जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी इंतजाम कर पाएंगे, दैट्स इट। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों? चलो ये लास्ट है, इसके बाद मैं तुम लोगों को ब्रेक दे दूंगी, लेकिन पढ़ लो, पढ़ो। देखो बच्चा, सच बता रही हूं, आंसर तभी नहीं बनता जब प्रोविजन याद नहीं आते, आधे अधूरे याद आते। अगर पूरा कंप्लीट याद आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा ना, बन जाएगा। लिखना अलग है, है ना, लिखना, लिख भी लोगे, गुड। चलो ट्राई करेगा बेटा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले तो मुझे ये बताना। वेरी गुड, दो चीजें पूछी है। पहला पूछा प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर बताओ किसको बताना है, तुम्हें सीएस को बताना है, सीएस आगे काम करेगा, है ना। प्रोसीजर बताओ किसका, इफ चेयरमैन इज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ साइनिंग। पहली सिचुएशन, उनका सिचुएशन थोड़ा सा चेंज, अगर डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्या कि क्या होता है बच्चा, माइनर इंजरी होता है और एक हफ्ते के अंदर आ जाता है। मुझे बताओ मिड्स कंपनी की समरी होती है कितने दिन में प्रिपेयर करना होता है, विद इन 30 डेज, यही पढ़ा था, विद इन 30 डेज के अंदर प्रिपेयर करना, मतलब अच्छा खासा टाइम है अगर एक हफ्ते में भी ठीक होके आता है। तो दो सिचुएशन है, पहली क्या है बच्चा कि वो ठीक नहीं हुआ, नहीं साइन कर पा रहा, तो याद करो हमने कुछ लीगल प्रोविजन पढ़ा था, बोर्ड मीटिंग का भी पढ़ा था, जनरल मीटिंग का भी पढ़ा था और पोस्टल बैलेट का भी पढ़ा था, तीन चीजें पढ़ी थी। जनरल मीटिंग का पहले मुझे बताओ, क्वेश्चन तो एजीएम को लेकर है लेकिन मुझे बोर्ड मीटिंग का जाना है, या तो बोर्ड मीटिंग का उसी मीटिंग का चेयरमैन या फिर नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन, पढ़ा था ये। जनरल मीटिंग को क्या लिखा था, इसी मीटिंग का चेयरमैन अगर उसकी डेथ हो जाती है, परमानेंटली इनकेपेबल हो जाता है, तो इन दैट केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको ऑथराइज करे, यही पढ़ा था। पोस्टल बैलेट के थ्रू, क्योंकि मीटिंग नहीं हुई है तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑलरेडी चेयरमैन है वो, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इनकेपेबल हो जाता है, तो इस केस में ऑथराइज, यही पढ़ा था। अब इन तीन पॉइंट में से कौन सा पॉइंट अटैक कर रहा है, जनरल मीटिंग, या तो 30 दिन के अंदर वही चेयरमैन या फिर जो ऑथराइज्ड होगा। पूरा लीगल प्रोविजन लिखोगे, एज पर द डिस्कस अबव द एक्सीडेंट 2 डेज आफ्टर द एजीएम, ये देखो इन्होंने फैक्ट के साथ घुसा दिया, फैक्ट के साथ नहीं लिखा है, खुद ये लोग भूल गए अपना रूल, तुम लोग मत भूलना बच्चों, लिखते वक्त तो तुम भी भूल जाते हो, कंक्लूजन सीधा, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि 2 दिन के अंदर ही हुआ था परमानेंट इनकेपेबल ऑफ साइनिंग, तो एजीएम विल बी साइंड बाय डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, ये पहला कंक्लूजन। अब इन पैराग्राफ, मोटे पैराग्राफ में दो केस के एक साथ इन्होंने आंसर दे दिया है, आप क्या दोगे पॉइंट वाइज, पहला आप क्या लिखोगे इन केस ऑफ परमानेंटली डिसेबल, तो आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्टर जो ऑथराइज्ड बाय बोर्ड है, क्लियर है। दूसरा इफ इंजरी क्या है, माइनर है, एक हफ्ते के अंदर वो आ रहा है, हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द एजीएम विद इन 30 डेज के अंदर, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आ गया ना वो बच्चा। मुझे बताओ क्या तुम भी ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखने वाले हो, मैं जीरो कर दूं क्या,
मेरे आंसर्स में, मेरे टेस्ट में मैं जीरो कर दूंगी, मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आज मेरे टेस्ट में अगर तुम लोग पैराग्राफ लिख रहे हो, दैट मीन्स वहां पे भी आदत बनी रहेगी, मुझे तुम्हारी आदत ठीक करनी है। मुझे हाईलाइट चाहिए आपका आंसर, अगर मुझे हाईलाइट नहीं मिलता है, पॉइंट वाइज नहीं मिलता है, मैं नंबर नहीं देने वाली। इनका भी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, दो सिचुएशन है तो होगा पॉइंट नंबर वन। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबल तो क्या लिखोगे, ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड। इन केस ऑफ माइनर इंजरी तो फिर क्या लिखोगे, चेयरमैन ऑफ द एजीएम, ये लिख लोगे। अब ये तो क्या था कंक्लूजन, फैक्ट्स में क्या लिखोगे, इन्होंने यही जो लिखा हुआ है क्योंकि परमानेंटली डिसेबल दो दिन में ही हुआ है, ये बात लिखना, और माइनर इंजरी दो फैक्ट्स बताना। लीगल प्रोविजन में क्या लिखोगे, वही सारी बातें जो भी हमने डिस्कस करी कि भाई एजीएम में क्या होना चाहिए, चेयरमैन, अगर उसकी डेथ या तो कुछ भी इंजरी जिस कारण से वो क्या हो गया परमानेंटली डिसेबल, तो ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही आपका लीगल प्रोविजन है। क्लियर है बच्चा, पक्का छोड़ दू, क्या करोगे, पढ़ लो इससे अच्छा। चलो बच्चों अभी भी 30-32 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है। जनरल मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखना जितने क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करोगे उतना ये चैप्टर आपका होगा, प्रैक्टिस नहीं चैप्टर जीरो, बस पढ़ रखा है हवा में। क्लियर है, तो प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज की सभा समाप्त।